प्राणायाम के क्रम में मैं तीसरा प्राणायाम आपको बताने जा रहा हूं, जो कि सांस छोड़ने से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं वाहवी प्राणायामा। क्या बोलते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, तीन बंद लगाते हैं। तीन बंद, हवा बाहर से किसी भी रास्ते से नहीं आना। यहाँ जो बंद लगाते उसे जालंधर बंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ जो बंद लगाते इसको खींच लेते हैं अंदर, उसको उद्यान बंद बोलते हैं। उद्यान मिस उद्र, पेट को बंद करना। और नीचे जो बंद करते हैं उसको हम मूल बंद बोलते हैं, क्योंकि ये मार्ग है, हवा इधर से आ सकता है, अंदर से भी आ सकता है, इसको कहीं से भी हवा नहीं आने देना है। उस पर केंद्रित करो पालन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सांस छोड़ेंगे, पूरे सांस को हम बाहर निकाल देंगे। देखिए, ये बालक सही कर रहा है, उस पर फोकस करिए। इसको और खींचोगे, ये बहुत अच्छा करता है। खींचो इसको, खींचो अंदर। हाँ, वेरी गुड, पट्टा बहादुर है। खूब जोर से खींचो, बंद लगा दे। हंसो हंसो, कोई बात नहीं है, चलो खींचो खींचो बेटा, वेरी गुड। इससे क्या होगा सर, फैट जल जाएंगे, जितने भी शक्तियां हैं वो प्रचलित हो जाएंगी, प्रगतिशील हो जाएंगे, आपके सारे सिस्टम का विकास हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, काम ऊर्जा तो इतना भूचाल हो जाएगा कि नियंत्रण में नहीं करोगे तो यामा का ब्रह्मचर्य भी टूट जाएगा। यस, ये योगा है ना, ये तुम्हारे सारे गुणों को प्रज्वलित करता है, समझे क्या? ये काम शक्ति भी इससे विस्तृत होती है। इसमें क्या है, जो तुम्हारे स्पर्म्स हैं उसके नंबर बढ़ जाते हैं। जिस महिला को मेंस्ट्रुअल फ्लो का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। जिस महिला को बच्चे पैदा नहीं होते हैं, यूट्रस की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये सारे उसके लिए बहुत जरूरी है। सब पर फोकस करो, फिर इधर लाओ बेटा, आकाश को तरफ उठाओ कैमरा को, और इधर सीधा मुझ पर फोकस करो। तो फिर से देखिए, इसको हम बोलते बाहवी। क्या बोलते? बाहवी। इसमें हम क्या करते बच्चों, सांस बाहर छोड़ देते और तीन बंद लगाते। क्या बंद लगाते? तीन बंद। पहला बंद क्या है? जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। ये तीन बंद करते हैं। फिर से देखो, सांस जोर से छोड़ना है। कैसे? सांस भर लीजिए और थोड़ा भस्त्र का प्रणाम कर लेंगे। सांस सांस लीजिए, गति से लीजिए। ओके, अब कैमरा बंद कर दीजिए। सबका हो गया स्टार्ट। अब हम अभी अपने इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं जी। और योगा का सबसे पहला है, उसको हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर शांति मंत्र उच्चारण करेंगे और ओम शांति से इसे संपन्न करेंगे, ठीक है? ये मुसलमान है लेकिन देखो गायत्री मंत्र आता है, पता नहीं कितना ज्ञानी है यार। ये कबीर दास है, वो मुसलमान थे लेकिन हिंदू धर्म को कोई उससे ज्यादा नहीं जानता था, उनके बराबर में जानने वाले थे। सीधा बैठो, सब लोग सीधा बैठ जाएंगे। और अभी आंख बंद करो, यहाँ ओम को दर्शन करो, त्रिनेत्र पर महादेव का त्रिनेत्र है, उस पर ध्यान केंद्रित करो और चेंटिंग करो, उस पर फोकस करो बालक। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
पश्यन्तु सर्वे मित्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे मा कश्चित् दुःख भाग् भवे अब शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे नमस्ते। योग विद्या में सभा का संपन्न हम नमस्ते से करते हैं। नमस्ते का मतलब है कि आप में जो प्रभु का निवास है उस अनंत अनादि शक्ति को हम सत नमन करते हैं। आई अडोर्न द डिविनिटी विद इन यू, आई अडोर्न द डिविनिटी विद इन यू। थैंक यू वेरी मच।